अंबाला कैंट राम बाजार के पास एक युवक ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। युवक एक निजी बैंक की लोन ब्रांच में कार्यरत बताया जा रहा है। इससे पूर्व मृतक अतुल शर्मा अखबार बांटने और साइंस का सामान बनाने का भी काम किया करते थे। 2 साल पूर्व अतुल की मां का देहांत हो गया था। शादी के बाद से ही उसके अपने पत्नी से संबंध ठीक नहीं थे। साथ ही अतुल शर्मा के मामा राजीव धीमान का कहना है कि उसका भांजा काफी होनहार था, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की इसका कुछ पता नहीं चल पाया। मेरा नाम राजीव धीमान है और ये जिसने सुसाइड किया ये अतुल शर्मा इसका नाम है और ये मेरा रियल भांजा लगता है। HDFC बैंक में ये लोन डिपार्टमेंट में काम करता था। मैं जब से इसकी मैरिज हुई थी, मैरिज के बाद इसके कुछ पति पत्नी के विवाद चल रहे थे। वो कभी यहाँ रहती थी, कभी चली जाती थी। अभी भी वो गई भी है। हमें तो अभी मेरी फैक्ट्री साहब में वहाँ था, मुझे अभी फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके बात होगी तो मैं आया हूँ। अभी मामले की जैसे जाँच होगी, लेकिन हमने अपना शेर जैसा बच्चा खो दिया, सब वापस नहीं आया। हमारा इतना शेर जैसा बच्चा था जी, कभी सोचा भी नहीं था। अभी 2 साल पहले मेरी बहन चली गई इसी गम के अंदर, अब दोबारा आज ये मेरा दिन देखने का मिल गया। ऐसा है, अतुल नाम के लड़के ने जो सुसाइड किया है, उसकी जेब से हमारे को सुसाइड नोट मिला है। उसने अपनी पत्नी पे और अपने ससुर के ऊपर घरेलू परेशान करने का आरोप लगाया। वो अपनी पत्नी को भी दिमागी तौर पर परेशान बतलाया, जिस कारण वो दिनांक 23/7/2023 से अपने घर अपने बच्चे को लेकर गई हुई है। इसी वजह से ये परेशान था। अभी उनके परिजनों ने कोई बयान या दरख्वास्त हमारे को नहीं दी है। उनका बयान आने के बाद व सुसाइड नोट की पुष्टि होने के बाद जो भी कार्रवाई बनेगी हम उसकी कार्रवाई होंगे। इसकी उम्र 35-36 साल की उम्र बता रहे हैं। अब ये तो अभी आने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि दोनों बैंक में नौकरी करते थे। और ये बता रहा है अभी जो मेरी घरवाली का झुकाव है वो थोड़ा अपने परिवार की तरफ था, मायके की तरफ था, और उसके पिताजी का कुछ लेन देन था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहती थी, और यही कारण इनके घरेलू ज़िंदगी में परेशान होने का। उसके शव को हमने पोस्ट मोर्चरी में सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में रखवा दिया। कल उसका पोस्टमार्टम।